शिमला के साथ लगते उपनगर टूटू में गंदगी, खराब स्ट्रीट लाइट और जगह जगह बंद पड़े नालों से फैली अव्यवस्था के चलते स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों ने शिमला नगर निगम प्रशासन और स्थानीय पार्षद से इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की गुहार लगाई है। गर्मियों के मौसम में शिमला के कनलोग में पेयजल आपूर्ति की पाइप में मलिन व दूषित पानी जाने का मामला चर्चा का विषय रहा और इस पर नगर निगम शिमला की खूब किरकिरी भी हुई। अब लगभग ऐसी स्थिति टूटू वार्ड में भी बनी हुई है, जहां कीचड़ और दलदल के बीच से गुजरती पेयजल आपूर्ति की पाइपें इस क्षेत्र में जल जनित रोगों की आशंका बढ़ा रही हैं। यहां जगह जगह पर नाले बंद पड़े हैं, जिससे पैदल मार्ग कीचड़ से भरे पड़े हैं। इससे यहां आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। कीचड़ से भरा ये रास्ता साथ लगते शिशु शिक्षा निकेतन और लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ साथ रिहायशी इलाके को जाता है। यहाँ गंदगी का आलम यह है कि इस रास्ते से बदबू के कारण गुजरना तक मुश्किल होता है और बीमारी फैलने का डर अलग से सताता है। शिशु शिक्षा निकेतन की प्रिंसिपल ने नगर निगम से नाले खुलवाने और नियमित सफाई करवाने की मांग की। 40 ईयर से यहाँ पे स्कूल चल रहा है, लेकिन इस रास्ते में जहाँ से बच्चे आते हैं गंदगी का, इतनी गंदगी के बुरे हाल है। नाला भी पूरा नहीं ढका गया और जो ढका गया उससे सारी सीपेज लीक होके नीचे को आ रही है स्कूल के रास्ते में और पूरी गली में और गेट के आगे, और जिससे बच्चों की बीमारी होने का बहुत डर है। और बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा कि अगर सफाई नहीं होगी तो बताओ क्या कर सकते हैं हम, और स्वीपर भी डेली सफाई करने नहीं आ रहे हैं। वहीं पानी जमा होने से साथ लगते मकानों को भी खतरा बन गया है। स्थानीय निवासी राजीव महेंद्रू ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर नगर निगम नालों को जल्द नहीं खुलवाता है तो उनके घर को नुकसान हो सकता है। सर, यहाँ टूटू में ये नाला बिल्कुल ब्लॉक है, इसकी वजह से पूरा पानी का रिसाव मेरे बिल्डिंग में हो रहा है, इसमें खतरा हो चुका है। बार बार बोलने के बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वीपर्स को बोलते हैं तो वो बोलते हैं इसमें पाइपें फंसी हुई हैं, पर इसका हम इस नाले से मेरा कोई गंदा पानी, मेरा पर्सनल कोई, हमारी बिल्डिंग का कोई नहीं जा रहा, पर सारा खतरा मेरी बिल्डिंग को बना है। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ बीमारियों का डर बहुत हो चुका है। स्कूलों के बच्चे जाते हैं और बिल्कुल कीचड़ वाले पानी से क्रॉस होकर गुजर रहे हैं। जो लोग मंदिर को जा रहे हैं वो गालियाँ देते जाते हैं। सब मेरे को बेल बजा के बोलते हैं कि भैया नाला बंद हो गया, सही करा दो। तो मैं तो हार चुका हूं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि प्रशासन जल्दी इसका कोई निवारण करे। एक अन्य स्थानीय निवासी ने शिमला नगर निगम और स्थानीय पार्षद को आड़े हाथ लेते हुए टूटू वार्ड में फैली अव्यवस्था के लिए उन्हें जिम्मेवार ठहराया और निगम से क्षेत्र की सुध लेने का आग्रह किया। और ये जो आपने अभी देखा है, ये गोविंद मोहल्ला, इस उपनगर का सबसे पुराना मोहल्ला है, और इस मोहल्ले में दो स्कूल और एक धर्मशाला लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहाँ पर सुबह सुबह रे लोग, बच्चे, बुजुर्ग सैकड़ों की संख्या में स्कूल आते जाते हैं, मंदिर आते जाते हैं, लेकिन आने जाने वालों को सुबह की शुरुआत गंदगी से करनी पड़ती है। गंदगी के ढेर यहाँ रहते हैं, गंदी नालियाँ हैं, नालियों के ऊपर सीमेंटेड कवर कर दिया है ताकि वो साफ भी ना हो सके, और उन गंदी नालियों के अंदर पानी की पाइपें हैं, ढेर के ढेर है पानी के पाइपों के, जिससे गंदगी बाहर आ चुकी है, लोगों के मकानों में जा चुकी है, बच्चों के पैरों में गंदगी लगती है, और बीमारी का तो 100% ये यहाँ पर पुनर्जन्म हो रहा है। आज दिन तक इस मोहल्ले की देखरेख ना हुई है, कितनी सरकारें आई, कितने काउंसलर आए, और यहाँ की ट्यूबलाइटें आज दिन तक वैसी की वैसी है, सड़कें रास्ते आधे अधूरे हैं, गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि अपनी गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, उनके ऊपर उल्टे केस तक बना दिए गए हैं, मगर उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारी प्रशासन से, सरकार से और स्थानीय पार्षद से यह गुजारिश है कि कृपा इस पुराने मोहल्ले की इज्जत और सम्मान को बनाए रखें, यहाँ के लोगों को, यहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अन्यथा ये एक न एक दिन बीमारी का घर बन जाए। इस बाबत जब शिमला नगर निगम के उप महापौर राकेश कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष लंबी बरसात चलने के कारण अधिकतर नाले बंद हुए हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि टूटू क्षेत्र के लोगों की समस्या का जल्द निवारण किया जाएगा। इस बार बरसात के सीजन में जो काफी लंबी बरसात गई है, मतलब ये कह सकते हैं कि पिछले 30-35 साल इतनी लंबी बरसात शिमला में देखी गई है,
तो इसकी वजह से नाले बहुत चौक हुए हैं, काफ़ी हमने खोले भी हैं और कुछ अभी तक भी जो है अभी तक रुके हुए हैं कि जिनमें अभी तक प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि कई जगह लोगों ने नालों के साथ अतिक्रमण कर दिया है। वहाँ पे स्टाफ के लोगों को जाने में दिक्कत भी आ रही है, पर जहाँ पे शहर की समस्याओं और इन नालों की सफाई का ध्यान है, नगर निगम प्रशासन सजग है और इस पे पूर्ण रूप से कार्यरत है। टूटू की जो आपने बात की है, इसमें पार्षद ने भी हमारे ने काम किया है, परंतु हो सकता है कि कोई नाला या एक दो नाले कोई ऐसे हों जिन पे जो प्रॉपर काम नहीं और बार बार वो चौक होते जा रहे हैं, तो जल्दी ही इसमें अधिकारियों को आज ही निर्देश दे दिए जाएंगे ताकि एक दो दिनों के बीच में नालों को खोल कर जो लोगों को उसकी वजह से जो दुविधा जो परेशानी हो रही है उन परेशानी को दूर किया जाए। शिमला नगर निगम के समक्ष जब भी इस तरह की समस्या को लेकर मामले उजागर किए जाते हैं तो हमेशा जल्द समाधान के आश्वासन मिलते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संबंधित पार्षदों की बेरुखी उन्हें चुनकर भेजने वालों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।